महिंद्रा थार के लॉन्च होते ही बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही हैं कि महिंद्रा थार के ऊपर अपने हाथों को ट्राई किया जाए, उसको मॉडिफाई किया जाए, उसकी मॉडिफिकेशन किट्स को लॉन्च किया जाए। हालांकि जो पिछली वाली महिंद्रा थार थी 2015 वाला मॉडल, उसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी कंपनीज अपनी किट्स निकाल चुके हैं। डीसी कंपनी ने भी, डीसी डिजाइंस ने भी अपनी पुरानी वाली थार के लिए किट निकाली थी जिसका नाम उन्होंने रखा था डीसी हमर, जिसका कॉस्ट लगभग 5.5 लाख रुपये था, प्लस आपको अपनी जो महिंद्रा थार है वो उनको देनी पड़ेगी। तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट 16 लाख के आसपास बन के आता है उस डिज़ाइन का। लेकिन जो डिज़ाइंस के बारे में बात करें तो बहुत सारी कंपनियों ने पुरानी वाली थार के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइंस ट्राई किए, उसको रेंगुलर बनाने की कोशिश की, उसको एक्सटेंड करके 5 डोर बनाने की कोशिश की। हालांकि सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन वो इतनी सेफ और सिक्योर नहीं हो पाई गाड़ी जितनी ये वाली थार है, क्योंकि कंपनी ने इस वाली थार के ऊपर ज़्यादा काम किया है, इसके इंटीरियर के ऊपर ज़्यादा काम किया है, इसके ड्राइविंग डायनामिक्स के ऊपर ज़्यादा काम किया है। उसी तरह बहुत सारी कंपनियां भी अपने अपने नए नए वेरिएंट्स निकालती रहती है, तो उसी तरह डीसी डिज़ाइंस ने भी पिछले थार के लिए एक अलग से 2-4 वेरिएंट्स निकाले थे, जिसमें से एक ये है डीसी हैमर और दूसरा है एक छोटा सा येलो कलर का थार। अब ये जो थार है इसका डिज़ाइन मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कैसा डिज़ाइन लग रहा है, या आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो महिंद्रा थार है, जो येलो कलर की महिंद्रा थार है, वो आपको कैसी लग रही है। अब ये तो थी पुरानी बातें, अब जो नई वाली महिंद्रा थार है इसके लिए भी बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। आपको थोड़े टाइम पहले मैंने भी आपको वीडियो में बताया था कि जो फ्रंट ग्रिल है महिंद्रा थार की वो मार्केट में आ चुकी है। हुआ क्या था कि जैसे ही महिंद्रा थार को नोटिस मिला जीप कंपनी की तरफ से कि उनको अपनी ग्रिल चेंज करनी पड़ेगी, तो जो स्टॉक में ग्रिल पहले से ही थी, जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने उन ग्रिल्स को सेल आउट करना स्टार्ट। तो बहुत सारे जो मॉडिफायर्स हैं, जो मॉडिफिकेशन कंपनीज हैं, उन्होंने ग्रिल को स्टॉक किया और जैसे ही महिंद्रा थार लॉन्च हो जाएगी उनको वो सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे, डिज़ाइन चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे ही बहुत सारी कंपनीज ट्राई कर रही हैं उसके साइड फेंडर्स बनाने के लिए, उनके टायर्स के डिज़ाइंस बनाने के लिए, उनके फ्रंट बम्पर्स का डिज़ाइन चेंज करने के लिए, लाइट्स का डिज़ाइन चेंज करने के लिए। डीसी कंपनी ने थार के लिए एक अलग से मॉडिफिकेशन किट लॉन्च किया, उसके अंदर वो क्या क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो बॉडी को और वाइड कर देंगे। हालांकि जो महिंद्रा थार अभी आ रही है 2020 के अंदर, जो नई ऑल न्यू थार है, वो पहले से ही बहुत वाइड है, और ये वाली थार किट लगाने के बाद वो और वाइड हो जाएगी। प्लस उसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, हाइट के साथ साथ उसका जो बॉडी हाइट है, मतलब जो रूफ हाइट है, उसको भी थोड़ा इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि ग्लास विंड, मतलब लगभग सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। पुरानी वाली जो डीसी हमर थी उसका जो मॉडिफिकेशन कॉस्ट था वो लगभग 5.5 लाख के आसपास था, इस वाली थार के ऊपर भी लगभग 5.5 लाख से ऊपर ही रहेगा। तो ये ओवरऑल जो अगर डीसी मॉडिफाइड करते हैं इस गाड़ी को, उस गाड़ी के लिए आपको लगभग 20 लाख रुपए पे करना पड़ सकता है। ये कंफर्म नहीं, मैं अपना एजम्पशन बना रहा हूँ कि इतना पे करना पड़ सकता है। साथ साथ जो डीसी का डिज़ाइन है थार के लिए वो थोड़ा सा अलग ही है, मतलब ख़राब नहीं कहूँगा, ये अपनी अपनी चॉइस है। कई लोगों को ब्रॉड लुक पसंद आती है, कई लोगों को नैरो लुक पसंद आती है, कई लोगों को वाइडर लुक पसंद आती है, तो अपनी अपनी चॉइस है। इस जो डीसी मॉडिफिकेशन थार है इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये जो कमेंट है वो आपको बतानी होगी आपको कैसी लगी ये डीसी थार। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आपको ये डीसी डिज़ाइन की थार पसंद आई है कि नहीं आई। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्यों पसंद नहीं आई है। मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।